Hello guys, welcome back to my channel Beauty Melange. Let's talk about yet another very exciting topic. Guys, skin bleaching एक ऐसा procedure and treatment है जिससे आपके skin के pigmentations and discolorations भी improve होते हैं and आपका overall skin complexion को भी lighter करता है. And आज ये topic मैंने इसलिए select किया क्योंकि आप में से बहुत जन ने मुझे questions पूछे हैं, questions like स्किन ब्लीचिंग सेफ है या नहीं, लॉन्ग टर्म कोई साइड इफेक्ट्स होते हैं या नहीं, या फिर स्किन ब्लीचिंग से क्या क्या बेनिफिट्स, क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स होते हैं स्किन में. यहाँ तक कि कुछ लोगों ने, अ वेरी फ्यू परसेंटेज ऑफ पीपल, तो ये भी डिसाइड कर लिया कि मैंने अपनी स्किन ब्लीच कराया है. यस, दे डिडंट आस्क मी, दे टोल्ड मी कि तुमने तो ब्लीच कराया है आफ्टर सीइंग माई बिफोर एंड आफ्टर फोटोज दैट आई हैड शेयर्ड विथ यू. तो स्किन ब्लीचिंग को लेकर आपके सारे क्वेश्चंस को मैं आंसर करूंगी अभी इसी वक्त इसी वीडियो में. सो स्टे ट्यून्ड. ओके, सो फर्स्टली मैं ये चीज़ क्लैरिफाई कर देती हूँ आपको कि मैंने अब तक कभी ब्लीच नहीं कराया है और शायद ही मैं कभी कराऊंगी. एंड ये जो मेरे ओल्ड फोटोज़ आप देख रहे हो, दिस इज़ सिंपली स्किन टैन एंड ये मेरा ओरिजिनल नेचुरल बाय बर्थ स्किन कलर है. मैंने कुछ ब्लीचिंग नहीं कराया है. आप जैसे ही प्रॉपर स्किन केयर करना स्टार्ट करते हो, प्रॉपर वे में स्किन केयर रूटीन फॉलो करते हो, इफ़ेक्टिव स्किन केयर ट्रीटमेंट्स लेना स्टार्ट करते हो, तो आपकी स्किन नेचुरली इम्प्रूव होती है, आपकी स्किन क्वालिटी इम्प्रूव होती है एंड योर स्किन लुक्स ब्राइटर, हेल्दियर एंड टैन एंड पिगमेंटेशंस भी इम्प्रूव होते हैं. एंड लेट मी ऑल्सो क्लैरिफाई, आई डू नॉट बिलीव और प्रमोट द आइडिया दैट लाइटर स्किन इज़ बेटर. आई डू नॉट केयर अबाउट लाइटनिंग my skin color, but I believe in taking care of my skin and protecting my skin. But many of you, aap mein se bahut jan janna chahte ho, you want to learn about skin bleaching, so this video. And here is the truth about skin bleaching. Skin bleaching refers to the use of products jo skin ke dark areas ko lighten karte hain and also overall skin color ko lighten karte hain. These products include pills, creams and also professional bleaching treatments. एक medical perspective से देखा जाए तो आपको अपनी skin को lighten करने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है, but फिर भी अगर आप ये skin bleaching treatment कराना चाहते हो तो फिर आपको risks and benefits अच्छे से पता होना चाहिए before you can take the right decision. Bleaching treatments आपके skin के melanin नाम का एक pigment होता है उसको reduce कर देते हैं and as a result आपको fairer, पिगमेंटेशन फ्री स्किन मिलती है. बहुत टाइप्स के स्किन ब्लीचिंग इन्ग्रेडियंट्स होते हैं. इनमें से दो वेरी कॉमन ब्लीचिंग इन्ग्रेडियंट्स यूज होते हैं. वन इज़ हाइड्रोक्विनोन एंड द अदर इज़ हाइड्रोजन परऑक्साइड. इंडिया में ज़्यादातर ओवर द काउंटर कॉस्मेटिक ब्लीचिंग क्रीम्स जो होते हैं उनमें हाइड्रोजन परऑक्साइड यूज़ होता है कॉमनली, लो परसेंटेजेस में. बट फिर भी हाइड्रोजन परऑक्साइड के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जैसे स्किन एलर्जिक रिएक्शंस, ब्रेकआउट्स, पिंपल्स, डर्माटाइटिस, रेडनेस, स्किन इरिटेशन, स्किन बर्न्स एट्सेट्रा. बट ज़रूरी नहीं कि हर किसी को ये सब साइड इफ़ेक्ट्स दिखे. बहुत जन बिना साइड इफ़ेक्ट्स के यूज़ कर रहे हैं ये सब क्रीम्स. बट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. पैच टेस्ट करने के बाद ही आपको यूज़ करना चाहिए एंड ऑल्सो पैकेज पर दिए गए सारे इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से पढ़ने के बाद ही आपको ये सारे क्रीम्स यूज़ करना है. ओवरऑल ये सारे कॉमनली अवेलेबल ब्लीचर्स उतना इफ़ेक्टिव भी नहीं होते हैं एंड इतने सारे रिस्क्स भी रहते हैं. सो आई पर्सनली थिंक केमिकल एक्सफोलिएशन इज़ अ मच बेटर ऑप्शन इफ़ यू आर ट्राइंग टू इम्प्रूव योर स्किन टोन. क्योंकि केमिकल एक्सफोलिएटर्स, फर्स्टली दे आर गुड फॉर द स्किन, दे आर सेफर फॉर द स्किन एंड लगभग आपको सिमिलर बेनिफिट्स भी मिल जाते हैं. सेकेंड अबाउट द अदर इन्ग्रेडियंट दैट इज़ हाइड्रोक्विनोन. इट्स अ वेरी वेरी इफेक्टिव इन्ग्रेडियंट फॉर ब्लीचिंग द स्किन. बट डॉक्टर के परमिशन एंड गाइडेंस के बिना आप बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर सकते हो क्योंकि हाइड्रोक्विनोन अपने आप से यूज़ करने में बहुत सारे रिस्क्स एंड बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं. सो प्लीज़ never ever use hydroquinone products or creams on your own. Also, I should mention one more thing. बहुत सारे salons and beauty parlors में भी skin bleaching treatments and services मिलते हैं and I strongly do not recommend them. क्योंकि the salon beauticians,
दे आर नॉट क्वालिफाइड इनफ टू गिव यू सच काइंड ऑफ ट्रीटमेंट्स. एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द वेल नोन रेप्यूटेड सैलॉन्स ऑल्सो. आई डू नॉट ट्रस्ट देम. रादर आप डर्मेटोलॉजिस्ट को विजिट करो. मोस्ट ऑफ अस डोंट नो, वी आर नॉट अवेयर, हमको पता नहीं है कि डर्मेटोलॉजिस्ट क्लिनिक्स में भी बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्किन ट्रीटमेंट्स एंड ब्यूटी ट्रीटमेंट्स मिलते हैं, एंड वो भी अफोर्डेबल प्राइसेस में. पर्सनली आई ट्रस्ट ओनली द सर्टिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट फॉर दिस काइंड ऑफ फेशियल्स और ब्यूटी ट्रीटमेंट्स और स्किन ट्रीटमेंट्स. आई डू नॉट टेक स्किन ट्रीटमेंट्स फ्रॉम सलॉन्स और ब्यूटी पार्लर लेडीज. I think we have covered the risks and benefits of skin bleaching and also skin bleaches. कितने types के होते हैं, कैसे काम करते हैं, सब कुछ cover कर लिया हमने. And I hope you got a clear basic idea about skin bleaching. And see, skin bleaching is a personal choice, but you have to make this decision very carefully, understanding the risks and benefits and everything. So I hope you liked watching this video, and thank you for watching this video. I'll see you soon with my very next video. For now, bye bye, take care, love you. Also, if you have any more questions, you can write to me in the comment section and I'll try to address all of your questions. Thank you, tata, bye bye.